अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉगर के बारे में। और ब्लॉगर की जो है वो आपने उसके ब्लॉगर की आईडी जो है वो आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, और ब्लॉगर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ब्लॉगर जो है वो गूगल की ही एक वेबसाइट है, जहाँ पे जो है वो आप फ्री में जो है वो आप अपना आर्टिकल्स, अपना कंटेंट राइटिंग का जितना भी काम है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जैसे भी किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, किसी भी मूवी के रिलेटेड, किसी भी ड्रामा के रिलेटेड, कोई भी आप ब्रीफ स्टोरी और राइटिंग का जितना भी काम जो है वो आप जो है ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं, जिसकी जो है वो पेमेंट आपको एडसेंस के थ्रू मिलती है आफ्टर दी जो है आपकी अगर आपका जब भी आर्टिकल आपका रैंक कर जाता है, उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तो गूगल जो है वो आपको आपके ब्लॉगर के थ्रू जो है वो आपका एडसेंस से अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपको पेमेंट करता है। पैसा ही पैसा होगा। तो फ्री में अगर आपने ये काम किस तरह से करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपका थोड़ा सा जो खर्चा आता है वो डोमेन और उसकी होस्टिंग पे आता है, वो भी अगर आप परचेज कर लेते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो फ्री में भी ये हो जाता है। तो फ्री में अगर आपने जो है वो इसको किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जी लिख लेना है ब्लॉगर जी। ब्लॉगर लिख के आपने ओके करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है blogger.com पे। तो सिंपल आपने इस पे जो है वो अपनी जीमेल की आईडी से आपने जो है वो लॉगिन होना होता है। तो जी मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं आपको जो है वो अपनी किसी भी जीमेल की आईडी से यहाँ पे लॉगिन होके अभी दिखा देता हूँ जी दोस्तों। तो ये देखें, ये एक जो है वो आईडी है मेरी जो है वो एक टेम्प्रेरी सी एक आईडी है। तो इसको जी वो मैं ब्लॉगर के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी जी। तो वो कह रहा है कि जी पासवर्ड जो है वो गलत है, तो जी मैं आईडी ज़रा चेंज कर लेता हूँ जी दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी एक जीमेल की आईडी से जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो ब्लॉगर की साइट पे जो है वो मैं लॉगिन होने वाला हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने साइन इन किया तो वो कह रहे हैं कि अपना कोई सा भी जो है, अभी क्योंकि ये फ्रेश आईडी है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने ब्लॉग के लिए कोई सा भी नाम, यूनिक सा नेम आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंटरटेनमेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसको जी वो मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस जो है वो बहुत ही जो है यूनिक सा होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट का जो कि एड्रेस होता है, एंटरटेनमेंट फॉर यू जी। तो वो कह रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई से भी जो है ना वो नंबर ऐड कर देता हूँ, ताकि जो है ये जो अवेलेबल हो सके। तो वो कह रहा है कि ये देखें, एंटरटेनमेंट फॉर यू 1122 जो है वो अवेलेबल है। तो और डिस्प्ले नेम जो है जी, मैं एंटरटेनमेंट फॉर यू ये वाला जो है वो मैं जो है वो डिस्प्ले नेम दूंगा। उसके बाद जो है ये जैसे ये फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद ये मज़ीद आगे जो है वो ब्लॉक की तरफ जो है वो हमें ले जाएगा। उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग्स हमने करनी है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये देखें जी, ये ब्लॉग तो आपका रेडी हो चुका हुआ। ये यहाँ पे आपने जो है पोस्ट आपने क्रिएट करनी है। उससे पहले जी हम चले जाते हैं थीम में चले जाते हैं। थीम में जाने के बाद ये यहाँ पर देखें, ये काफ़ी सारे थीम्स आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है वो पेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो तकरीबन जो है वो सारे फ्री हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगता, तो आप गूगल की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ये देखिए, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे आने के बाद, इस वेबसाइट पे आने के बाद, यहाँ से आप जो है फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये अब ये सारे यहाँ पर जो है वो फ्री के टेम्पलेट्स हैं। अब इसको कैसे ऐड करना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। लेट्स सपोज जी मैं जो है इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट मेरे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको जी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। ये देखें, ये जो है वो डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो इसको जी मैं क्लिक कर देता हूँ, ताकि जैसे ही जो है वो डाउनलोड हो तो ये इसको जो है वो हमने अनजिप कर लेना है। तो ये देखिएगा, ये जो है ये देखें यहाँ पे आ गया। इसको हम अनजिप करने लगे हैं, एक्सट्रैक्ट टू कर रहा हूँ, और इसको जी मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं क्लोज़ करूँगा और जो है वो अपनी जो है वो सिस्टम में जाऊँगा मैं। तो जी दोस्तों, यहाँ से जो है वो मैं इसको मिनिमाइज़ करके अपने सिस्टम में आ गया हूँ, डाउनलोड्स में आ गया हूँ। ये जो है वो एक्सट्रैक्टेड फाइल है, एक्सट्रैक्टेड फाइल है। ये वाली जो है वो सोलियो फ्री वर्जन 1.0, ये फाइल जो है वो हमने जो है वो वहाँ पे जो है वो अपलोड करनी है। सिस्टम में वापस जाता हूँ, थीम में चला जाता हूँ, कस्टमाइज थीम में जो है वो मैं आऊँगा।
ये एरो डाउन को क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीस्टोर थीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अपलोड पे आ जाऊंगा और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो वो सिस्टम को ओपन कर देगा। सिस्टम की जो फाइल्स है वो यहाँ पे जो है वो मुझे शो हो जाएंगी। अब वो लुक डेस्टिनेशन पूछ रहा है जी, तो मैं जी यहाँ पे डाउनलोड्स में आ गया हूँ। डाउनलोड्स में आने के बाद ये पड़ी है वो फाइल, तो और जो है यहाँ पे आने के बाद इसको मैं क्लिक करके ओपन कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको जो है वो यहाँ से फाइल को ओपन करूँगा तो ये अभी यहाँ पर देखिएगा रिस्टोरिंग थीम आ रहा है, अभी जो है वो यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा और ये अपलोड हो जाएगा। ये देखें जी, रिस्टोर थीम सक्सेसफुली आ गया है। तो जी अपनी पोस्ट में चले जाते हैं और जो है अपना जो है वो अगर हमने जो है वो ब्लॉग अगर व्यू करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे आऊँगा, ये व्यू ब्लॉग लिखा है इसको जी मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जी देखते हैं कि वो थीम जो है वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखें जी, वो सोलियो वाला जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो अपलोड हो चुका हुआ है। तो ये आपका जो है वो ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया और थीम आपने सक्सेसफुली जो है वो उसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पर आपके जो मुख्तलिफ जो पेजेस होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ये स्टैट्स शो होंगे, यहाँ पे अर्निंग होगी, ये आपके पेज का लेआउट होगा। लेआउट में ये आपका मतलब शो करेगा कि आपका जो ब्लॉग है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये व्यू ब्लॉग में जाना है और ये देखें स्क्रॉलिंग मेन्यू है। इन सब चीज़ों को जो है वो आप बारी बारी जो है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये मेन इंट्रो मेन पेज है, ठीक है। और ये देखें ये वाले जो है ये ऑप्शंस आपको सारे यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ये मेन मेन्यू है, स्क्रॉलिंग मेन्यू है, हेडर लोगो है, कोई भी अगर लोगो वगैरह आप अपनी वेबसाइट का लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि सोलियो का आप देख सकते हैं ये वाला आ रहा है, तो अपना कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको जो है वो फ्री में लोगो बनाकर दे देती हैं। जस्ट आप जो है वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि फ्री ब्लॉगर मेक ब्लॉगर लोगो क्रिएशन लिख के इस तरह का लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अपलोड कंप्यूटर करना हो तो वो भी आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये तमाम तर ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से किसी को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि यार ये वाला ना हो, लेट्स सपोज जी मैं करना चाह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट्स वाले को, इस पर मैं एडिट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखें ये रिमूव आ रहा है, इसको जी मैं आके यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। जैसे ही रिमूव करूंगा वो देखें वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया। तो इनमें से ये लेट्स उसके अलावा जी ये रिमूव इसको जो है वो मैं क्लिक करना मतलब रिमूव करना चाह रहा हूँ, रिमूव पे क्लिक किया, ओके कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा जी, अब और इस तरह से ये जो है वो आप तकरीबन ये लिंक की लिस्ट आ रही है, जो फुटर में जो लिंक लिस्ट आ रहे होंगे वो ये आपको यहाँ पे शो होंगे। ये देखें होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आ रहे होंगे, ये देखें होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस। तो इनको अगर आप चेंज करना हो तो यहाँ पे, और कोई ऐड भी करना हो तो वो भी वहीं पे जाके हो जाएगा। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट अस के अलावा कोई भी और अगर ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड न्यू आइटम पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके जी माई पेजेस, जो भी पेज आपने क्रिएट किया होगा उसका लिंक लाके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिस तरह से ये वाला पेज है, ठीक है। तो वो पेज आप जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है पोस्ट क्रिए जो है वो ऐड करेंगे, पोस्ट का लिंक लाके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आपका कोई सा भी पेज है वो मज़ीद यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो इस तरह से आपका वो पेज भी आपका ऐड हो जाएगा। तो इसको जो है वो तसल्ली से जो है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा जो है अगर चीज़ें बताने बैठूंगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लॉग क्रिएट हो गया। उसके अलावा जी आ जाते हैं सेटिंग्स में, आ जाते हैं सेटिंग्स में क्या करना है आपने, ये आपका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है अपने ब्लॉग जिसके भी रिलेटेड है, 500 वर्ड्स की जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। उसके अलावा जी शो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स ऐड है, तो इसको आप ऑफ ही रहने दें। उसके अलावा जी ये यहाँ पर आपके जो है ये ब्लॉग एड्रेस है, ठीक है, इसको आपने चेंज करना हो किसी भी टाइम आपके, आप यहाँ से आके जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये कस्टम डोमेन है, तो ये अभी आपकी जो है वो ऑन नहीं होगी, ऑफ ही रहेगी। उसके अलावा ये देखें ये ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स, किसी को एडमिन वगैरह बनाना चाहते हैं यहाँ से आके आप उसको एडमिन बना सकते हैं। उसके अलावा ये वो यहाँ पे लिखा हुआ कि मैक्सिमम पोस्ट आपके पेज पर कितनी, एक पेज के ऊपर कितनी शो होंगी, यहाँ से आप उसे आके 8 10 जितनी भी करना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप दोनों कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको ये यहाँ पर आपको मिल लेंगे, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आके जो है वो आपने जो है वो तसल्ली से बैठ के जो है वो आपने इनके सारे ऑप्शंस को आपने देख लेना। और भी इसी एक ही आईडी के ऊपर अगर कोई और ब्लॉग, मतलब जैसे कि समझ लें कि एक ब्लॉग आपकी एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट बनानी है, न्यू ब्लॉग पे जाएं, टाइटल लिखें, फ़र्ज़ करें ये एंटरटेनमेंट का, कोई आपने ड्रामा के रिलेटेड जो है वो आपने कॉन्टेंट डालना है, आपने फ़र्ज़ करना है ड्रामा के रिलेटेड कोई कॉन्टेंट डालना चाह रहे हैं, आप व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, तो ड्रामा की थोड़ी सी स्टोरी, ड्रामे का एपिसोड नंबर, उसकी तस्वीर और लिंक उसका यूट्यूब से उठा कर जो है वो अपनी अपने ब्लॉग में लगा दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह जो है वो उम्मीद है कि आपकी जो है वो आपकी वेबसाइट आपके ब्लॉग के थ्रू जो है, अगर यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो ट्रैफिक जाती है तो पहले ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर आएगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपने जो है वो ब्लॉग की जो है व्यूज़ जो है अपने ब्लॉग के ऊपर आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने ब्लॉग को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर तमाम तर ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो मतलब जो है मेन काम जो था आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना और जो है वो थीम को अपलोड करना, बस मेन इंपॉर्टेंट काम आपका यही है। थोड़ी बहुत सेटिंग इसकी मज़ीद भी होती है, तो वो जो है आप जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस, अब जितनी ज़्यादा आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी सेटिंग्स होंगी, भाई ये वाली सेटिंग कर लो, वो वाली सेटिंग कर लो, डिपेंड ये सारा आपके व्यूज़ जो है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी जो है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक कीवर्ड जो है आप फ़र्ज़ करें किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो है वो आपने ब्लॉग बनाया हुआ है जिसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो आपका जो है वो ब्लॉग कभी भी सर्च में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने ब्लॉग को क्रिएट करने के पहले उस ब्लॉग को सर्च करें कि वो आया कि उसकी जो है वो रीच इतनी है भी या नहीं है। तो जब आप कोई सही टॉपिक जिसकी रीच अच्छी खासी हो उसको चूज़ करेंगे तो आपको जो है वो बारीकियों में नहीं जाना पड़ेगा कि यार ये वाली सेटिंग कर लूँ तो वो वाली सेटिंग कर लूँ व्यूज़ मिल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आज की वीडियो जो वो ब्लॉग क्रिएट करने के मुतल थी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मज़ा आया। कोई मसला परेशान है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।